10 दिन तक कैंप में रहने के बावजूद भी जब उनके फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन किए गए, उनको मालूम था कि ये बंदा कनाडा में रह रहा है, इसके पास एक लीगल स्टेटस है, या तो आपको इंडिया डिपोर्ट कर देगा या फिर वापस कनाडा। मैंने बहुत ज़्यादा शूट्स को देखा जो वापस कनाडा ही डिपोर्ट कर दिए गए हैं। उनके पास क्या लॉस हुआ, उन्होंने $8,000 दिए, किसी ने $5,000 दिए, किसी ने $4,000 दिए, जो भी एक हर बंदे के हर इमिग्रेशन लो जो बंदे आपको करवाते हैं डोंकी प्रोसेस, क्यों से मिला था वहाँ पर एक लड़की मतलब रो रही थी, मतलब फूट फूट कर रो रही थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी मतलब रो रही थी। तो मैंने सिंपल से उससे पूछा कि ऐसा क्या होगा कि आप इतना रो रहे हो, ऐसी सिचुएशन क्या आई। उसने मेरे को सिंपल से एक्सप्लेन किया कि उसको आए हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। ओके, इट मीन्स आप सबको मालूम है कनाडा की सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। वो आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे भाई कि मेरे पास ये से नहीं है, मेरे पास एक्सपेंसेस नहीं है, मेरे रिलेटिव मेरे को नहीं रखा, या जो भी सिचुएशन है ऐसा में कि मैंने एडवोकेट से बात की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी उसको रखें, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, अभी कोई क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ओके, वो बंदे इलीगली अभी रह रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा आपको नहीं मालूम है। उस बंदे को गए हुए 20 दिन भी नहीं हुए, आप डिसाइड कर लो तो USA की डोंकी लगानी है। अब वो बंदा कल को डिपोर्ट हो गया तो आप भी डिपोर्ट ही हो गए, चांसेस बहुत कम है कि आपको ऐसा हाल मिले। अगर आपको ऐसा हाल में अप्लाई ही करनी है तो USA मत जाइए, इट्स माई लाइक अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप कनाडा में ही ऐसा हाल में अप्लाई कीजिए। हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कनाडा टू USA के रिगार्डिंग, क्योंकि आजकल ना ये बहुत आपको रोला सुनने के लिए मिल रहा होगा कि भाई ये बंदा कनाडा से USA चला गया। बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स आए, कुछ बंदे कनाडा में हैं जिनके मेरे को टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि भाई USA कैसे जाए, मेरी डोंकी सेफ रहेगी क्या, या फिर मेरे को लीगल वे से जाना चाहिए, इलीगल वे से जाना चाहिए, या बॉर्डर क्रॉसिंग करनी चाहिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा के क्या एक्सपेंसेस हैं, ओके मेरे लिए गुड होगा नहीं होगा, क्या मैं कॉलर ड्रॉप कर दूँ, वर्क वीज़ा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। ओके, क्योंकि आजकल टाइम पे कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके कारण ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो है मजबूर है, मतलब वो चाहता नहीं है USA मूव होने के लिए, बट कंडीशंस एंड सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं जिससे स्टूडेंट्स को कनाडा छोड़ देकर जाना ही पड़ता है। वो सर्कल के अंदर तो सिचुएशंस है आपको कुछ क्या चल रही है वो भी आपको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्यों डिसाइड कर रहे हैं, कर चुके हैं USA मूव होने का फ्रॉम कनाडा। फर्स्ट रीज़न देखिए, आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी आज के टाइम में कि इस बंदे ने सुसाइड कर लिया, इस बंदे को हार्ट का दौरा आ गया, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा कैसे सुनने को मिल रहा है डेली। मैं डेली एक दो गोफंड मैं देखता हूँ, ओके मेरे पास में गुरुद्वारा है वहाँ पर मैं डेली आता हूँ, वहाँ पर एक बंदे का जो एक थोड़े ही दिन पहले टूरिस्ट वीजा पर आया था उसने भी सुसाइड कर लिया। डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आपको सबको मालूम है कि कनाडा में जो भी बंदा आता है ना वो मजबूरी में ही आता है सिर्फ मनी आने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा स्टडी करने के लिए आता होगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको भी आप भी 95% चांसेस है कि आप पढ़ने के लिए नहीं आए, और आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपका बढ़िया अर्निंग सोर्सेस हैं, देन यू कैन आई कैन कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आप पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए कनाडा में आए हो। बट ज़्यादातर फैमिली ऐसे मेरी सजेशन कुछ बढ़िया नहीं, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर स्टडी के बेस पे आया हूँ, मैं भी 2 से 3 बार देख चुका हूँ कि मैं USA कैसे मूव हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम वगैरह का बहुत इशू हुआ। बट जैसे कि मेरा है प्राइवेट कॉलेज, ओके मैम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया था, मेरे कुछ फंडा डिफरेंट है, मेरी फीस वगैरह इतनी नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट अपकमिंग डेज मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अब जो मेन क्वेश्चन आता है सुसाइड्स के रिगार्डिंग या USA को मूव होने के रिगार्डिंग, वो कौन से बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को USA में जाना चाहिए। ओके, तो अगर थोड़ा सा नॉइज़ होना थोड़ा कर लेना भाई, क्योंकि मैं आया था टिम होटल, क्योंकि ऊबर कर रहा था जहाँ मेरे को टाइम मिल गया वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो मैंने सोचा ये जो फ्री टाइम बैठा है ऑर्डर लेने तक का उसको थोड़ा कंज्यूम कर लूँ, तो वो वीडियो आपको ऊबर की जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग की, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में वो भी दिखा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी देखिए, जो बंदे डिसाइड कर रहे हैं या सोच रहे हैं कनाडा को छोड़कर USA मूव होने का, वो बंदे हैं जो पब्लिक कॉलेजेस में आए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फीसें पे करी हैं। इट मीन्स अभी थोड़े दिन पहले मैं 2-3 लड़कियों से मिला था, गुरुद्वारा साहिब जाता हूँ मैं डेली, ओके तो वहाँ पर मैं 3 लड़कियों से मिला था, वहाँ पर एक लड़की मतलब रो रही थी, मतलब फूट फूट कर रो रही थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी मतलब रो रही थी। तो मैंने सिंपल से उससे पूछा कि ऐसा क्या होगा कि आप इतना रो रहे हो, ऐसी सिचुएशन क्या आई। उसने मेरे को सिंपल से एक्सप्लेन किया कि उसको आए हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। ओके, इट मीन्स आप सबको मालूम है कनाडा में जो पब्लिक कॉलेज है उसके 2 सेमेस्टर होते हैं, पर सेमेस्टर की फीस $8,000 to $9,000 होते हैं, दैट इज़ वेरी हाई। ओके, उस बच्ची का कहना है कि मैं पीछे से लोन उठा कर आई थी जो कि अप टू 20 लाख का है, स्टडी लोन था उसके पास। तो अब उसको बोल रही है कि मेरे 8 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तीसरे सेमेस्टर की फीस आ रही है, उसकी GIC ख़त्म होने के लिए तैयार है, और अभी तक उसके पास एक भी काम नहीं है, उसकी कनाडा में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 शिफ्ट लगी होंगी। ओके,
मतलब लड़के हैं तो कंस्ट्रक्शन का हार्ड जॉब भी नहीं कर सकते। अगर कुछ बंदे कर भी लेते हैं कैश पे तो उनकी पे वगैरह मान लेती है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। बट आज जो मैं चीज बोल रहा हूँ कि कंडीशन ऐसी चल रही है, पहली बात तो काम ही नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है तो वो मिल रहा है कैश पर, ओके। बच्चे नहीं कर पा रहे, नहीं करते वो, सिन पर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बट ड्यू टू हैविंग मोर रश मोर स्टूडेंट्स देन रिक्वायरमेंट ही फुल टाइम की करती है, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब ही मिल पा रही है। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ भाई, मेरे को सिंगल जॉब नहीं मिली, आई एम जस्ट डूइंग यूबर टू कंप्लीट माई एक्सपेंसेस, बट आई होप इन, आई जस्ट बिलीव इन गॉड, इन फ्यूचर आई विल आल्सो गेट ए गुड जॉब, ओके। बट आई एम नॉट इन डिप्रेशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड लिविंग विद माई फ्रेंड्स, में एक डिफरेंट टॉपिक है, मेरे कुछ चीज में कोई इशू नहीं है, ओके, कि जॉब्स नहीं मिल पा रही। बट मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं डिप्रेस्ड हैं इस कंट्री में, कैनेडा में सिचुएशन बिल्कुल हार चुके हैं, वो कैनेडा के लिए डिसाइड कर चुके हैं मेरे को कैनेडा छोड़कर जाना ही जाना है, तो किन कंडीशन आपका मूव होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है, अगर आपके पास लोन भी है ना पीछे से, और आपकी कुछ प्रॉपर्टी अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, हम आपको पैसा सेंड कर देंगे आपके थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की फीस के लिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर सिचुएशन बुरी नहीं है तो आप फीस अपने घर से ही मंगवा लीजिए, कोई डोंकी का प्रोसेस मत यूज़ कीजिए, क्योंकि दैट इज नॉट ए ईजी वे। देखने में जितना ईजी आपको ये लग रहा है ना, उतना आसान होता नहीं है चीज़ें, उसके लिए पूरी वीडियो मैंने डाल रखी आई बटन में, ओके, कैनेडा टू यूएसए बॉर्डर क्रॉसिंग पुल इलीगल एंड लीगल वेज, वो आप अच्छे से देख लेना। अभी उससे मेन चीज़ क्या होती है, ओके, अगर आपके पास दो सेमेस्टर की फीस आपने पेरेंट्स आपको सेंड किया है, दो सेमेस्टर की फीस फिल करके, अगर आपके पास जी आई सी भी है, 8 महीने हो गया, 4 महीने और चलेगी, आपके पास पर्सनल एक्सपेंसेस है, अगर आपको एक भी जॉब नहीं मिले, देन यू कैन सर्वाइव इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और इन कैनेडा, दैट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, आप इजीली कर पाओगे। अब इसे मेन चीज़ क्या है, अगर आपके फैमिली सेंड कर से, देन आपको चाहिए कि आप कैनेडा भी कंटिन्यू स्टडी कीजिए, जो भी आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस, छोटी मोटी जॉब ढूंढे, कैश पे ढूंढे, कैसा भी कीजिए, आपके 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर रह चुके हैं उसको कंप्लीट कीजिए, ओके। उनको जैसे भी कंप्लीट किए, देन आपके पास वर्क परमिट होगा बिल्कुल लीगल वेज में, और आपने 2 सेमेस्टर पहले ही कंप्लीट कर लिए ना, आप लीगल वेज में कैनेडा में रह रहे हैं, तो बस इसके लिए डोकी मत लगाइए कि आपके पास जो स्टेटस खत्म होने वाला है, आपके पास पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, आपके पास फीस नहीं है, आपने पहले ही 2 सेमेस्टर फीस पे कर चुके हैं, आप 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप वर्क परमिट के बिल्कुल नियर हैं। ट्राई कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, उनको अंडर एक्सप्लेन कीजिए, आप जैसे ही वर्क परमिट आएंगे, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप कवर कर भी करने लगेंगे, आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल भी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ कि 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर मेरा अभी आने वाला है, 2 सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ तो फीस कैसे फिल करूँगा, ओके। इट इज नॉट ए गुड डिसीजन टू लाइक, ज्यादातर बंदे मेरे को मैसेज आते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरे घर पीछे की सिचुएशन ये है वो है, क्या मतलब यूएसए की डोंकी लगा लेनी चाहिए, और आपको यूएसए की डोंकी भी लगानी है ना भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि बस उनको डॉक्यूमेंट यहाँ पर फेंक के चला जाऊँगा, जला दूंगा, कुछ भी करूँगा, यूएसए इलीगल चला जाऊँगा और वहाँ पर मैं रिफ्यूजी क्लेम कर दूंगा, तो देखिए आपको पहले मैंने बता दूं कि यूएसए एंड कैनेडा की ना आपस में एक एग्रीमेंट है कि जो बंदा जिस कंट्री में पहले लैंड होता है उसको उसी कंट्री में अपनी रेफ्यूजी एसआरएम अप्लाई करनी होती है, तेनी आपकी एसआरएम को पास किया जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है मैंने देखे हैं, ओके, जो सनी वाली साइड से गए थे, मॉन्ट्री वाली साइड पर गए थे, 10 दिन कैंप में भी रहे हैं, 10 दिन तक कैंप में रहने के बावजूद भी जब उनके फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन किए गए, उनको मालूम था कि ये बंदा कैनेडा में रह रहा है, इसके पास एक लीगल स्टेटस है, या तो आपको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे या फिर वापस कैनेडा। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा जो वापस कैनेडा ही डिपोर्ट कर दिए गए हैं। उनके पास क्या लॉस हुआ, उन्होंने $8,000 दिए, किसी ने $5,000 दिए, किसी ने $4,000 दिए, जो भी एक हर बंदे के, हर इमिग्रेशन लोन जो बंदे आपको करवाते हैं डोंकी प्रोसेस, उनके अलग अलग अमाउंट्स होती हैं, ओके, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं और यूएसए पहुंचा देते हैं, आपको वापस रिपोर्ट कर दे, उन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आप आगे जाके क्या करोगे, आपको जस्ट बॉर्डर के नियर उतार दीजिएगा, एक सड़क पर, एक रोड पर, आपको खुद को पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी, आगे का प्रोसेस क्या है आपको खुद ही झेलना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी जो बनते हैं वो हेल्प नहीं करने वाले, वो आप सोच समझ कर ही यूएसए के लिए जाना है, अगर आप सोच चुके हो कि मेरे को जाना है। सेकेंड थिंग, जब आप यूएसए में पहुंच जाओगे तो वहां पर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत होंगे भाई, लॉयर के और चीज़ के, वो भी वीडियो मैंने आई बटन में पुश करते हैं, आप उसको अच्छे देख लेना आपको क्या सिचुएशन आपकी लेबरेट हो जाएगी, ओके। और अगर बंदे आप लोग यूएसए की डोंकी लगाने के लिए सोच रहे हो ना, और आप कैनेडा में अभी एंट्री नहीं होगा, सॉरी, और अगर आपका लाइक एक सेमेस्टर ही कम्प्लीट हुआ या फिर अभी स्टार्टिंग डेज में ही हो, तो यार यूएसए का डिसीजन लेना है अगर आपको डोंकी का, तो अभी ले लो ना भाई, अपनी फीस रिफंड करवाओ कॉलेज से या पब्लिक कॉलेज एक बार जैसे भी उठाओ, अपनी फीस रिफंड करवा लो उनसे, जो पैसे अपने पे किए उनको भी रिटर्न लो, उनको भी अपने पास रखो, देन आप डिसाइड करो यूएसए की डोंकी लगाने का, वो भी तब जब अगर आपके पास कोई रिलेटिव या कोई बंदा सिटीजन या पीआर है, देन आप डिसाइड करना, तो ही आप एक बेटर वे से
जो यूएसए की सिचुएशन है उनको फेस कर पाओगे एंड अपने वर्क परमिट को अप्लाई कर पाओगे एंड ले भी पाओगे। ओके, तो ये सिचुएशन चल रही है आज के टाइम में। बच्चे जो हैं वो तीन चीज़ों के कारण ज़्यादा यूएसए के डोंकी प्रेस में लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पीछे से फैमिली बैकग्राउंड है उनका, ओके, वो इतना शेरेबल नहीं है। सेकंड थिंग, जो बच्चे हैं वो दूसरे फ्रेंड सर्कल देख कर, कि मेरा फ्रेंड थोड़े दिन पहले गया, नहीं, मेरे पास दो तीन बच्चों के मैसेज आए हैं जिनके पास मतलब दो सेमेस्टर की फीस उनकी पे है, अभी उनको दो महीने ही हुए हैं, सिर्फ दो महीने हुए हैं। ओके, और उनका उनको यूएसए इसलिए जाना है क्योंकि उनका फ्रेंड चले गए हैं, सिर्फ इसके लिए कि मेरे दो फ्रेंड अभी गए हैं वहाँ पर, ऐसा में अप्लाई कर देंगे और वहाँ को वर्क परमिट मिल जाएगा और बढ़िया अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी वो बंदे कैश पर काम कर रहे हैं। देखिए, जो आपको लड्डू दूसरे की थाली में मीठा दिख रहा है ना कि बहुत मीठा यार, बहुत बढ़िया सब कुछ है, वो इतना ऐसा है नहीं। वो बंदे एक्चुअली में किस सिचुएशन में है आपको भी मालूम नहीं है कि वो बंदे किस सिचुएशन में है, क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। वो आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे भाई कि मेरे पास ये ऐसा नहीं है, मेरे पास एक्सपेंसेस नहीं है, मेरे रिलेटिव मेरे को नहीं रखा, या जो भी सिचुएशन है ऐसा हाल में कि मैंने एडवोकेट से बात की, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी उसको रखें, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, अभी कोई क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ओके, वो बंदे इलीगली अभी रह रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा आपको नहीं मालूम है। उस बंदे को गए हुए 20 देर भी नहीं हुए, आप डिसाइड कर लो तो यूएसए की डोंकी लगानी है। अब वो बंदा कल को डिपोर्ट हो गया तो आप भी डिपोर्ट ही हो गए। चांसेस बहुत कम है कि आपको ऐसा हाल मिले। अगर आपको ऐसा हाल में अप्लाई ही करनी है तो यूएसए मत जाइए। इट्स माई लाइक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप कैनेडा में ही ऐसा हाल में अप्लाई कीजिए। अगर आप कैनेडा को छोड़कर डायरेक्ट यूएसए में ऐसा हाल में अप्लाई करने की सोचते हो ना, देन मोर चांसेस है कि आपको डिपोर्ट कर दें। ओके, एंड आपकी ऐसा हाल में रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपको चाहिए तो यही है कि आप कैनेडा में ऐसा हाल में अप्लाई करो। यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है ना, देन आप सोचो कि हमको यूएसए की ऐसा ना अप्लाई करना, यूएसए के डोंकी लगाने के आप एलिजिबल होगे। नहीं तो यूएसए में रिफ्यूजी लगाने से पहले आपका पहला क्वेश्चन यही पूछाएगा कि भैया अपने कनाडा में क्यों नहीं लगाई। आपको कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ देने पड़ेंगे कि हाँ मेरे को कनाडा में भी खतरा है। उसका वर्क परमिट मिल भी गया तो क्या, आप ना तो कनाडा आने के लिए रहोगे, ना इंडिया आ सकते हो, ना कनाडा आ सकते हो, तो लाइफ कैसी है? वहाँ पर आपको कोई रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, क्या कुछ कर पाओगे? ओके, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, जो ये सोच रहे हैं ना कि उनको भाई कनाडा छोड़कर यूएसए जाना ही जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़िया डिसीजन लीजिए, बढ़िया बंदे से मिलिए, आपको राइट गाइड करेगा। प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है, उनको नहीं कह सकते हो कि इतना मनी उन्होंने एक्सपेंड नहीं किया, जीएसटी उनकी आ रही होती है, साथ में निकलवा भी लेते हैं वो कैसे भी करके, तो मनी वगैरह पूरी स्पेंड करके ही आते हैं। आप पब्लिक कॉलेज में हो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट कॉलेज में बंदे जो आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, उतने एक्सपेंसिस भी नहीं किए होते हैं अपने वीज़ा पर कि वो सोचें इसे यूएसए के डोंकी लगाने से पहले। ज़्यादातर बच्चे कनाडा में ऐसा में अप्लाई कर देते हैं, अगर ऐसा हाल में उनकी कनाडा में डिनाई हो जाती है, देन वो सोचते हैं कि हाँ अब मेरे को जाना चाहिए यूएसए के डोंकी का प्रोसेस, क्योंकि लीगली उनका वीज़ा लग नहीं पाता या नहीं सोच पाते हैं। ओके, और जब लास्ट डिसीजन में वीडियो बोल रहा हूँ, अगर आप यूएसए में हो, पब्लिक कॉलेज में आप हो, आपके दो सेमेस्टर होने वाले हैं या स्टार्टिंग डे अभी पब्लिक कॉलेज में अभी आप आए हो और आप सोच रहे हैं कि मैं यूएसए चला जाऊँ यार डोंकी लगाने के लिए, तो डोंकी से बढ़िया आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो बेस्ट होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड में काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, क्या सिचुएशन है, क्या क्या वहाँ पर आपको डोंकी प्रोसेस क्या लगानी कैसे होती है, उसकी वीडियो का लिंक आपको दे देते हैं आई बटन, वो भी आप अच्छे देख सकते हो। ओके, अब द मेन थिंग, आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए। मान लीजिए आप यूएस कनाडा में आ चुके हैं, आपका भी स्टार्टिंग डेज है, तो कनाडा में लैंड होती है, ट्राई कीजिए हैंड टू हैंड यूएसए का वीज़ा अप्लाई मत कीजिए, वो भी शक करेंगे। ट्राई कीजिए दो या तीन महीने बाद आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, टूरिस्ट वीज़ा B1 B2, जिसको B1 B2 वीज़ा बी कहा जाता है, आप उस वीज़े को अप्लाई कर दीजिए कनाडा में एंट्री लेते ही। ओके, आफ्टर 2 मंथ देन ट्राई कीजिए, उसकी अपॉइंटमेंट लीजिए। ओके, एन अपॉइंटमेंट को अप्लाई कीजिए, आपका जैसी अपॉइंटमेंट आ जाए कि आप इंटरव्यू प्रिपेरेशन कीजिए, आई होप 95% चांसेस है कि आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजीली, आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इट्स माई हूज लाइक एज आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई डिफिकल्टी फेस नहीं है, आपको ईजिली मिल जाएगा यूएसए का वीज़ा, कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर देन आप सोचते हो कि हाँ अब मेरे को क्या चाहिए, मेरी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, अगर आप सोचते भी हो कि हाँ मेरी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, कहना है मेरे को जाना ही जाना है, देन आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को यूएसए का वीज़ा के पास है। आप इलीगल नहीं जाओगे भाई, एक बार ध्यान रखना, अगर आप यूएसए में इलीगल वे में जाते हो ना, आपके पास कनाडा में पीछे बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है एंड इंडिया से भी आप हाथ धो बैठोगे। अगर आपको यूएसए जाना है ना डोंकी प्रोसेस, तो डोंकी या ऐसा ना आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी अप्लाई कर सकते हो। इलीगल वे में क्यों जाओगे, इलीगल वे में आपके अमाउंट लगती है अप्रोक्सीमेटली $5,000 to $6,000 चार्ज करते हैं, और लीगल वे में आपके सिर्फ लगेंगे $600 to $1,000 कैनेडियन डॉलर।
टूरिस्ट वीजा के लिए बी वन बी टू फॉर द यूएसए। अगर आप मैंने डिसाइड कर लिया यूएसए में डोंकी लगाने का या अप्लाई करने का, आप लीगल वे में जाइए यार, वहाँ पर सिचुएशन देखिए क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है, आपको बढ़िया लगे तो ऐसा हाल में अप्लाई कीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा। अगर अब ऑप्शन तो अवेलेबल होगी ना, आप वापस आने के लायक तो रहोगे ना आप इस कैनेडा में। अगर आप जा ही दो नंबर में रहे हो देन आप ऐसा हाल में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास पीछे तो कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं ना, कि आपने डॉक्यूमेंट सारे कर दिए स्वाहा, उसके बाद ऑप्शन अवेलेबलिटी भी नहीं रहेगी। अगर आपको यूएसए में जाना है ना भाई, आपके पास दो सेमेस्टर हैं, अप्लाई कीजिए यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए, दो सेमेस्टर कंप्लीट कीजिए, तब तक आप यूएसए का वीज़ा आपका लग जाएगा, इंटरव्यू आप क्लियर अपनी कर लोगे। ओके, इंटरव्यू डेट जल्दी मिल जाती है, ऐसा मत बोले कि इंटरव्यू डेट नहीं मिलती, बहुत ऑप्शन है, मैं आपको दिला दूँगा, आपको मेरे को टेक्स्ट कीजिएगा, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट भी दिलवा दूँगा। यूएसए की इंटरव्यू कॉन्टैक्ट कीजिए, यूएसए का वीज़ा आपके हाथ में होगा टूरिस्ट का, आपके पास 8 मंथ अभी बचे हैं, ओके 8 मंथ से आते आते आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा ले लोगे, देन आपके पास बीच में आता है ड्रॉप। आप सबको मालूम है पब्लिक कॉलेज में आपको ड्रॉप मिलता है, चाहे आपके पास जॉब है चाहे आपके पास जॉब नहीं है, ऑफिशियल ड्रॉप आपको मिलता है 4 महीने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कीजिए, आपको फुल टाइम काम के कैनेडा में गवर्नमेंट के मिल ही जाएगा, आपकी जो 6 सेमेस्टर की फीस है उसको कंप्लीट करने के लिए एंड पर्सनल एक्सपेंस भी निकालने के लिए। अगर नहीं मिलता, आपने 15-20 डेज ट्राई किया, 1 मंथ ट्राई किया, आपको नहीं काम मिल रहा, देन आप डिसाइड कीजिए यूएसए जाइए, आराम से जाइए, ऑफिशियल ड्रॉप है, आराम से जाइएगा, वहाँ की सिचुएशन को अपनी आंखों में देखिए कि सिचुएशन क्या है यूएसए में। टूरिस्ट वीजा पर जाइए, लीगली जाइए, आप कैश पर काम भी कर पाओगे, थोड़ा इलीगल है बट आपसे कोई भी नहीं पूछता, आपको वर्क सिचुएशन कैसी है वो दिखेंगी, एडवोकेट से बात कीजिए, सिचुएशंस आपको बताएंगे क्या क्या सिचुएशन आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं, आपको बढ़िया लगे देन यू कैन अप्लाई योर असाइलम और आई डोंट हैव एनी इशू। बट इन केस में इस दिस केस आपको जब आप टूरिस्ट वीजा बी वन बी टू पर जाओगे, आपके पास 5 to 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप वापस रिटर्न नहीं हो पाओगे, आप रिटर्न भी आ पाओगे कनाडा में, आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखी, आप मेरे को बिल्कुल पूरा सेफ खेलो यार, पूरा सेफ खेलो, जल्दबाजी मत करो भाई, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है। मैंने बहुत बंदों से बात की जो कनाडा यूएसए गए हैं, पब्लिक कॉलेज में आए थे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कि जल्दी मनी अर्न, ओके कि पैसा जल्दी बन जाएगा, यूएसए में काम बढ़ गया है, थोड़ा सा रिलेशन चल रहा है, कुछ बंदों ने तो ज़्यादातर वेट भी नहीं की, और कुछ मेरे कुछ ऐसे भी नोन में जो मैं न्यूज़ देखता हूँ कि बंदों ने कनाडा में 1 मंथ हुआ होने से पहले ही स्टार्ट कर लिया यार, 2 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए, इतना किस बात की डिप्रेशन भाई, कि 2 महीने भी आप नहीं वेट कर पाए जॉब के लिए, 6 महीने ना मिले मत मिले यार, आपके पास एक्सपेंसेस तो हैं पर्सनल, आपके 2 सेमेस्टर की फीस पे है, 8-10 महीने तो निकालो भाई, इतने आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एंड द मेन ऑप्शन इज यूएसए का वीज़ा, वो आप इजीली ले पाओगे भाई, टूरिस्ट वीज़ा B1 B2, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा होंगी। एज ए प्लान चलो भाई, कनाडा में आए हो, 2 सेमेस्टर कंप्लीट करो, 2 सेमेस्टर में अपना यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो, टूरिस्ट वीज़ा लो, जब ड्रॉप आएगा देन आई होप यू विल गेट योर जॉब फॉर फुल टाइम, नहीं मिले यूएसए जाओ, अपॉर्चुनिटीज देखो, बात करो, इलीगल का मत करो भाई, इलीगल में आपको पेरेंट्स को भी कोई बेनिफिट नहीं है, आपको भी कोई बेनिफिट नहीं है। और जो फ्रेंड आपका सोच रहे हैं यूएसए की डोंकी लगाने को, उसको ये वीडियो सेंड कर देना ताकि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ देख लें, क्योंकि इस टाइम पे क्या है स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, वो जो बातें सुन लेते हैं किसी से भी वैसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यार ये ऑप्शन मेरे लिए बढ़िया रहेगा, तो किसी को देख कर मत जाओ यार कि हाँ भाई मेरा रूममेट चला गया, मेरा 7 साल बंदा चला गया इसलिए मैं भी चल जाऊँ, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी भाई, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, ये भी आपके पेरेंट्स आपको पैसा और भी सेंड कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर के लिए, यार बहुत अपॉर्चुनिटीज है, 8-10 महीने बहुत कुछ हो जाता है भाई, 8 महीने का 1 साल है, 2 सेमेस्टर आपके पास एक ड्रॉप होगा, 12 महीने में भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा, 1 साल आपके पास, 1 साल जॉब नहीं भी मिली ना, 1 साल जॉब नहीं मिली ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ना मिले, डेफिनेटली मिलेगी, नहीं मिली ना तो भी आप यार 1 साल तो वेट करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। ओके, डोंट डू इट द सुसाइड, डोंट गो फॉर अ डिप्रेशन, जस्ट चिल योर लाइफ, जो पैसा आपके पास लगाया है ना इसको तो इन्जॉय करो, GIC आती है, खाओ पियो इन्जॉय करो, ज़रा डिप्रेशन डीपली मत जाओ, डिप्रेशन में जाओगे नहीं तो घूमो फिर ऐश करो, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं भाई साहब, मेरे जैसे यूट्यूब पर मैंने कंटेंट डाला स्टार्ट किया ना यूएसए के रिगार्डिंग, बंदे इतने फ्री बैठे हैं, इतना सोच रहे हैं डोंकी लगाने के लिए, उनको बातें मालूम पड़ा, कमेंट भी इसी बात के आते हैं, डोंकी प्रोसेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैमरे से अप्लाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो पहले अपने डाउट्स क्लियर करो सालो, ऐसे चले गए ना तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, डोंट टेक दिस डिसीजन, मैं भी जब आया था मैंने भी सोचा था, मेरे को बहुत बंदे ने बताया कि यूएसए की डोंकी लगा ले बेस्ट ऑप्शन है, बट GIC जब तक मेरे पास है ना मैं नहीं लगाने वाला,
एक साल देखूँ क्या कुछ, क्या कुछ है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे पास तो वीज़ा भी एक साल का है यार, तो भी वेट कर रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, डू वेट, डू योर हार्ड वर्क, ट्राई टू फाइंड अ जॉब एंड ट्राई लीगल वेज टू गो टू द USA। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो टिल एंड। आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई होगी कि आपको USA जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किन पॉसिबिलिटीज में, और नहीं जाना चाहिए तो उसके रीज़न क्या है कि आपको USA अभी मूव नहीं होना चाहिए इन लीगल वे। ट्राई टू बी ए लीगल स्टूडेंट, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर, नॉट इन द US। Thank you for watching this video. If you like this video, then must subscribe and comment your thoughts. I will create a video on that also.